आज हम बनाएंगे पोहे का नाश्ता ये सब्जियों से भरा बहुत ही टेस्टी नाश्ता है खाने में बहुत क्रिस्पी होता है और ये नाश्ता जल्दी से बन जाता है अगर आपको कुछ नाश्ते में खाने का मन हो तो आप इस नाश्ते को झटपट से बना सकते हैं ये नाश्ता ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और खाने में स्वादिष्ट लगता है नमस्कार आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कप पोहा लिया है सबसे पहले पोहे को हम धोएंगे तो पूरे पोहे को बाउल डाल देते हैं इसमें हम थोड़ा से पानी डालकर पोहे को मसल कर धो लेते हैं आप देख सकते हैं मसलने के बाद इसका पानी धुंधला हो गया है तो इसको हम दो से तीन बार पानी बदल कर धो लेते हैं पोहे को हमने अच्छे से धो लिया है धोने के बाद पानी छान लिया है आप देख सकते हैं धोने के बाद पोहा फूल गया है अब इसको हम साइड में रखेंगे अब इस बाउल में हम तीन उबले आलू डालेंगे आलू को हमने तोड़ कर लिया है अब इसी में हम कुछ सब्जियाँ और मसाले डालेंगे इसमें हम डालेंगे एक कटा हुआ शिमला मिर्च थोड़ा सा कद्दूकस किया किए हुआ गाजर डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं एक चम्मच कूटा हुआ अदरक और हरी मिर्च को डालेंगे आप चाहें अदरक और हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल सकते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं इसके बाद आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं इससे नाश्ता चटपटा और टेस्टी बनेगा अब इसी में दो बड़े चम्मच बेसन डालेंगे दो बड़े चम्मच चावल का आटा डाल देते हैं चावल का आटा डालने से नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं अब इसमें हम भीगा हुआ पोहा डालेंगे पोहे को डालने से पहले इसको हम हाथ से मसल लेते हैं जिससे पोहा महीन हो जाए अब पूरे पोहे को हम बाउल में डालेंगे पोहा डालने के बाद अब सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाकर मिश्रण तैयार कर लेते हैं हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पानी डालने से मिश्रण गीला हो जाएगा मिश्रण गीला रहेगा तो नाश्ता बढ़िया नहीं बनेगा तो इसलिए ऐसे ही सारे चीज़ों को मिला लेते हैं इसमें भीगा हुआ पोहा है और उबला हुआ आलू है उसी की मदद से सारे चीज़ों को मिला लेते हैं सारे चीज़ों को मिलाकर मिश्रण हमने तैयार कर लिया है अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे उसके बाद नाश्ते को बना लेते हैं तेल लगाने से नाश्ता बनाते समय हाथ में चिपकेंगे नहीं अब हाथ में थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसको गोल करते हुए चिकना करेंगे इसके बाद सफ़ेद तिल में कोट करेंगे यहाँ पर हमने प्लेट में थोड़ा सा तिल लिया है इसी में हल्का से कोट कर लेते हैं इसके बाद इसको हम चपटा करके कटलेट बना लेते हैं ज्यादा नहीं हल्का से चपटा कर देते हैं इसी तरह से हम पूरे मिश्रण का कटलेट बनाएंगे अब इसको हम प्लेट में रखेंगे आप चाहे इसे लंबे चपटे गोले कोई भी आकार दे सकते हैं या फिर इसे टिक्की का आकार में बना सकते हैं यह नाश्ता हर शेप में अच्छा लगता है सारे कटलेट हमने बना लिया है अब इसको हम फ्राई करेंगे चलते हैं गैस की तरफ नाश्ता तलने के लिए तेल गरम है गैस को हम मीडियम में कर देते हैं और पैन में जितना जगह है एक बार उतना नाश्ता डाल देते हैं पैन बड़ा है तो लगभग सात से आठ पीस कटलेट डाल देते हैं एक तरफ से हल्का फ्राई होने के बाद हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे कटलेट नीचे से हल्के फ्राई हो गए हैं तो इसे हम धीरे धीरे पलट देते हैं इसको बार बार चलाने की जरूरत नहीं है और ना ही बार बार पलटने की जरूरत है एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इसे दूसरी तरफ पलट दें इसी तरह दोनों तरफ से पलटते हुए सुनहे रंग में होने तक फ्राई करेंगे ये बहुत ही आसान नाश्ता है बनाना भी आसान है और फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है एक बार ये नाश्ता तलने में चार से पाँच मिनट लग जाते हैं अब ये नाश्ता सुनहे रंग में फ्राई हो चुका है तो इसको हम तेल से निकाल लेते हैं इसी तरह जो बचा है उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं पोहे से ढेर सारा नाश्ता बनता है लेकिन एक बार आप इस तरह से कटलेट बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगा यह कटलेट बनाने के लिए ध्यान रखें मिश्रण बहुत ज्यादा गीला न करें थोड़ा सूखा मिश्रण रहेगा तो कटलेट बढ़िया क्रिस्पी बनेगा और तलते समय तेल भी ज्यादा नहीं सोखेगा ये भी कटलेट फ्राई हो गया है अब इसको भी निकाल लेते हैं पूरे कटलेट को हमने तल लिया है अब गैस को बंद करेंगे गर्मा गर्म पोहे का कटलेट खाने के लिए तैयार है ऊपर से बहुत क्रिस्पी बना है इसको हम तोड़कर दिखाते हैं इसमें जो कटी हुई सब्जियां हैं उससे खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो आप भी इस तरह से पोहे कटलेट बनाकर हरी चटनी टोमेटो के साथ सर्व कर सकते हैं इस नाश्ते को आप सुबह शाम के नाश्ते में कभी भी आसानी से बना सकते हैं